Hi everyone, welcome to our channel Dentistry to the Point. In this video, we are going to see the important syndromes which are there in the chapter Diseases of Nerve and Muscles. So there are various syndromes which are important from the point of view of MCQs in the competitive exams also, and also in your college university exams, wherein you are asked multiple choice questions or one words or fill in the blanks. So here I am with these syndromes, making them easy for you, so that giving you some tricks, tips, mnemonics and lame silly ideas so that you can remember them. First is the Trotter's syndrome. Okay, first is the Trotter's syndrome, that is, tumor of the nasopharynx is responsible, or it produces pain in the side of the neck, lower jaw, tongue and causes middle ear deafness. नाउ इसको याद करने का एक तो डायरेक्ट तरीका है कि आप टी से टी याद रख लो, ठीक है, ट्रॉटर से आप ट्यूमर ऑफ नेसोफेरिंग्स याद रख लो. नहीं तो अगर आप देखोगे तो जब आप ट्रॉटर बोलते हो, व्हेन यू से यू ट्राई स्पीकिंग ट्रॉटर, तो आपको ये फील होगा कि जो आपकी आवाज है वो नाक और थ्रोट दोनों में, थ्रोट में तो आएगी बट नाक से भी आप बोल रहे हो, तो वहां से आप याद रखोगे जो ट्रॉटर वर्ड है, यू आर यूजिंग योर नेसोफेरिंग्स. ट्रॉटर वर्ड बोल, मैं ट्रॉटर आप बोल के देखो तो आपको लगेगा आप आपकी नाक यूज कर रहे हो. सो वहां से आप याद रखो नेसोफेरिंग्स का, ठीक है. और फिर ऑब्वियसली बात है कि अब नेसोफेरिंग्स का ट्यूमर हुआ है तो उसके आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स है वो अफेक्ट होंगे, तो आपके नेसोफेरिंग्स के आगे क्या आ जाता है, आपका टंग आ जाता है, आपका जॉ आ जाता है, पीछे आपका नेक आ जाता है, ऊपर आपका ईयर. तो जो आजू बाजू स्ट्रक्चर्स है नेसोफेरिंग्स के वो सब अफेक्ट होंगे. या तो आप ऐसे याद रखो, या फिर नेसोफेरिंग्स आपने एक बार याद रख लिया ट्रॉटर वर्ड से, उसके बाद क्योंकि आप बोल रहे हो कि थ्रोट से लेकर आपका नोज इन्वॉल्व है, तो उसके बीच के जो भी स्ट्रक्चर्स है, थ्रोट मतलब आपका नेक आ गया, ठीक है, उसके बाद आप ऊपर जाते हो तो आपका जॉ आता है, उसके अंदर आपकी टंग आती है, और फिर नोज तक पहुंचते पहुंचते बीच में नोज की लाइन में आपका ईयर आ जाता है. तो आप ऐसे याद रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज द हॉटन सिंड्रोम, ठीक है, दैट इज, तो देर आर द हॉटन सिंड्रोम जो है वो आपके एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है उसके ऊपर, सो डू चेक दैट वीडियो. बट हियर वी वांट टू सी द अदर नेम्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कि कौन से अदर नेम्स है फॉर हॉटन सिंड्रोम. नाउ हॉटन्स में ही टन आ रहा है, तो इससे आप एक आइडिया लगा लो कि देर आर गोइंग टू बी टन्स ऑफ नेम. तो देर आर एक्चुअली सिक्स डिफरेंट नेम्स फॉर हॉटन सिंड्रोम. ओके, सो देर आर गोइंग टू बी टन्स ऑफ नेम एंड देर आर सिक्स नेम्स. तो उसमें से सबसे पहले तो इसको याद करने का एक और ट्रिक है, हॉटन्स में से आप हॉट निकाल लो. अब हॉट से आपको समझ आता है गर्मी हो रही है, समर वेदर है, हॉट सीजन है, बहुत हॉट है. जब कुछ बहुत गर्मी होती है, गर्म होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सर चढ़ता है. गर्मी ज्यादा होती है तो मोस्ट कॉमन थिंग क्या होता है, सर चढ़ता है, सर दुखता है. तो वहां से आपके तीन हेडेक्स आ जाएंगे, दैट इज योर अलार्म क्लॉक हेडेक, क्लस्टर हेडेक एंड स्लडर्स हेडेक. ओके, उसके बाद अब आप ये ध्यान रखो, क्योंकि आप हॉटन सिंड्रोम है, आप उसको डिजीज ऑफ नर्व्स एंड मसल्स में पढ़ रहे हो, तो न्यूरैल्जिया कहीं ना कहीं घूम फिर के आना ही है. तो तीन न्यूरैल्जिया आ जाएंगे, दैट इज योर पीरियोडिक माइग्रेनस न्यूरैल्जिया, विडियन नर्व न्यूरैल्जिया एंड स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया. तो ऐसे आप हॉटन सिंड्रोम याद रख सकते हो. थर्ड इज योर फ्रेज सिंड्रोम, विच इज नथिंग बट ऑरिक्यूलोटेम्पोरल सिंड्रोम और गस्टेटरी स्वेटिंग सिंड्रोम और क्रोकोडाइल टीयर्स. तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, एक्चुअली इसका फीचर है कि क्रोकोडाइल टीयर्स, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रेज सिंड्रोम, कि आपको क्रोकोडाइल टीयर्स देखने को मिलते हैं. एंड ऑल्सो वॉट यू सी हियर इज प्रोफ्यूज लेक्राइमेशन विच वाइल ईटिंग योर फूड. ओके, सो देर इज प्रोफ्यूज, मतलब जब आप खाना खाते हो तो आंसू निकलते हैं, दैट इज ओनली क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब ही है कि जब खाना खाते हो वाइल यू ईट योर फूड, तो भले ही वो स्पाइसी हो, हॉट हो, कुछ नहीं हो, तो भी आपको रेक्लाइमेशन या आंसू निकलते हैं. तो ये तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो बिकॉज ये वन लाइनर है. या फिर एक ट्रिक जो आप यहां से निकाल सकते हो, आप यहाँ पे आपको रे दिख रहा है, तो आप आपको यहां से रे ले लो. तो जैसे रे किसका होता है, रेज होती है सनलाइट, सन की रेज होती है यूजुअली. तो आप उससे याद रखो कि जब आप धूप में बाहर जाते हो या सन की रेज के कॉन्टैक्ट में आते हो, तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, मतलब आपने देखा होगा आपका कान और जो आपका सर का एरिया है वो बहुत गर्म हो जाता है सबसे पहले, तो फिर वो गर्म होगा, और तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल वहां से याद रख लो. फिर गर्म होगा तो उसमें क्या होगा, स्वेटिंग होगी, तो वहां से आप स्वेटिंग याद रख लो. ठीक है, गस्टेटरी स्वेटिंग एक्चुअली कुछ नहीं होता, जैसे गस्टेटरी स्वेटिंग का मतलब होता है जैसे आप हॉट फूड खाते हो या स्पाइसी फूड खाते हो, तो आपको पसीना आ जाता है इन योर लिप्स रीजन, नाक पे, फोरहेड पे, ईयर्स पे, ऐसा.
पर ये नॉर्मल है, बट जब आ नॉर्मल फूड खा रहे हो उस टाइम भी पसीना आ रहा है, तो देर इज समथिंग डैमेज इन द नर्व. किसका डैमेज है? ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व का डैमेज है, ठीक है. और उसमें ही आपको क्रोकोडाइल टीयर्स, वही बोलते हैं ना, क्रोकोडाइल टीयर्स एक फ्रेज है जो आप बोला जाता है जब इंसान नाटक झूठ मूठ में रोता है, फॉल्स ही क्राइज, तो तब. तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बेमतलब के आंसू आ रहे हैं खाना खाने पर और सब कुछ, इसलिए क्रोकोडाइल टीयर्स. तो ट्रिक इज रे, आप याद रखो, सन रे. सन रे से ऑरिक्यूलो टेम्पोरल रीजन, आपका कान और माथा गर्म हो जाता है और फिर उसमें पसीना आने लगता है, और अगर सन रेज डायरेक्टली आंखों में चली जाएंगी तो टीयर्स आने लगेंगे. ओके, नेक्स्ट इज योर रीडर्स सिंड्रोम. नाउ रीडर्स सिंड्रोम इज नथिंग बट पैरा ट्राइजमाइनल सिंड्रोम और न्यूरालजिया. नाम से समझ आ रहा है, पैरा ट्राइजमाइनल मतलब ट्राइजमाइनल नर्व के आसपास का जो एरिया है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उस एरिया में पेन हो रहा है, ठीक है. टू रिमेम्बर दिस, ये रीडर्स को आप दो में कन्वर्ट ब्रेक कर लो, दो में, एक आप कर दो रीड और एक को कर दो डर, ठीक है, रीडर. अब जब आप रीड करते हो कोई भी बुक, कोई भी आर्टिकल, कुछ भी, तो आप पैरा वाइज पैरा, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ रीड करते हो, तो वहां से आपका पैरा आ जाएगा, ठीक है, कि पैरा वाइज पैरा आप रीड करते हो पैराग्राफ. अब डर इज बिकॉज मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन ट्राइजमाइनल न्यूरालजिया, जिसमें मैंने क्लिनिकल फीचर्स में आई हैव टोल्ड यू कि जो पेशेंट्स को ट्राइजमाइनल न्यूरालजिया होता है वो एक कॉन्स्टेंट फियर में जीते हैं अटैक्स के, ठीक है. तो मतलब उनको हमेशा डर लगा रहता है, तो उस डर से आप याद रखोगे ट्राइजमाइनल न्यूरालजिया या ट्राइजमाइनल सिंड्रोम. ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो तो अच्छा है, जो ऐसे नहीं याद रख सकते वो ऐसे तोड़ तोड़ के याद रख सकते हैं. रीड इज योर पैरा, पैराग्राफ से, एंड डर से आप ट्राइजमाइनल न्यूरालजिया याद रखोगे. नेक्स्ट इज योर हॉर्नर सिंड्रोम. नाउ हॉर्नर सिंड्रोम इज नथिंग बट मियोसिस. मियोसिस इज एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई. Ptosis or ptosis, that is drooping of the upper eyelid due to any kind of paralysis or disease, plus anhidrosis. Anhidrosis is inability to sweat normally and vasodilatation of face. ठीक है, अब इसको भी कैसे याद रखोगे? आप हॉर्न से याद रखोगे. हॉर्न, हॉर्न मतलब आपका सींग, जो गाय का सींग होता है ना, बैल का, गाय का, किसी भी एनिमल का सींग. अब आप मानो कि कोई आपको सींग मारने आ रहा है, कोई एनिमल आपको हॉर्न, उसके हॉर्न के साथ तेज आपके दौड़ते आ रहा है, तो आपको मम्मी पापा याद आ जाएंगे. मियोसिस टोसिस याद आ जाएगा, मतलब इसको या तो आप मम्मी पापा जैसे याद रखो, कॉल इट एज माँ पापा, या फिर आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएगी, या आपकी आईलिड ड्रूप करेगी. वैसे भी आप याद रख सकते हो कि आंखें बड़ी हो जाएगी, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, वहां से फेस याद रख लोगे, और पसीना तो भाई साहब कुछ अते पते ही, नॉर्मल से अब नॉर्मल ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है. तो दैट इज एनहाइड्रोसिस, पसीना कुछ भी आ रहा है, चेहरे का रंग उड़ रहा है, आंखें बड़ी छोटी हो रही है, मम्मी पापा याद आ रहे. कैसे भी आपको जो भी ट्रिक समझ आए, अच्छे से लगे, आप याद कर लो. नेक्स्ट इज मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम. इसके नाम से समझ आ रहा है, मार्कस गन इज द नेम ऑफ द पर्सन जिसने सिंड्रोम निकाला है, जिसने डिस्कवर किया. ऑब्वियसली जॉ विंकिंग सिंड्रोम मतलब कि जॉ के मूवमेंट में और आंखों की विंकिंग में कोई कनेक्शन है, नाम से समझ आ रहा है. सो जॉ और विंकिंग का मतलब, रिस्पेक्टेड प्रिया प्रकाश वैरियर जी हमें बहुत अच्छे से समझा चुकी है कि विंक करना क्या होता है, तो आपको उससे समझ आ रहा है कि जॉ के मूवमेंट से आंखें विंक हो गई. सो इट इज कंजनाइटल यूनिलैटरल टोसिस विथ रैपिड एलिवेशन ऑफ द टोटिक आईलिड ऑन द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल टू कॉन्ट्रालैटरल साइड. ऑब्वियसली कि क्या हो रहा है, कंजनाइटल है मतलब सिंस बर्थ प्रेजेंट है, और एक आंख का यूनिलैटरल मतलब कोई से भी राइट या लेफ्ट एक आंख का रैपिड एलिवेशन और ड्रूपिंग. पटोटिक का मतलब ही, टोटिक का मतलब ही होता है ड्रूपिंग होना आईलिड का, तो उसका एलिवेशन और ड्रूपिंग हो रहा है जैसे ही मैंडिबल का मूवमेंट हो रहा है ऑपोजिट साइड पे. सो इट इज अ काइंड ऑफ ट्राइजमाइनो ऑक्यूलोमोटर सिनकाइनेसिस. सिनकाइनेसिस इज नथिंग बट अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जिसमें क्या होता है कि वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कॉजेज साइमल्टेनियस इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट ऑफ अदर मसल्स. गॉट इट? मतलब एक मसल के मूवमेंट से जो दूसरी मसल है वो उसका मूवमेंट भी कॉज कर देती, फालतू का उसका इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट नहीं चाहिए वो भी कॉज हो रहा है. तो दैट इज अ सिनकाइनेसिस, एक तरह से गड़बड़ी है बिटवीन ट्राइजमाइनल एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व. ओके, एंड दिस इज कॉमनली रिकग्नाइज बाय मदर्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबी वन ऑफ इट्स आईलिड शूट्स अप. जब वो ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बेबी को या बेबी दूध पीता है उस टाइम पे उसका एक आईलिड दिखाता है. एंड दिस इज गोइंग टू बी क्लियर फ्रॉम द वीडियो व्हिच आई एम गोइंग टू पॉप अप हियर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर ईगल सिंड्रोम, व्हिच इज नथिंग बट इलोंगेशन ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस और ऑसिफिकेशन ऑफ स्टाइलोहायड लिगामेंट causing dysphagia, that is difficulty in swallowing, sore throat,
otalgia, that is your earache or pain in the ear, glossodynia, that is burning sensation of the tongue, headaches and orofacial pain. Orofacial pain as in pain that is felt in any area of the face, maybe it your whole face or mouth or jaws. Okay, so eagle syndrome ka aap yaad aise rakhoge kyunki styloid process, like koi trick nahi hai iska, kyunki styloid process aapko pata hai uski positioning kahan hoti hai aur styloid ligament kahan hota hai. तो ऑब्वियसली बात है ये उन एरियाज के जो आसपास के एरियाज है, जैसे मैंने अभी बताया था ट्रॉटर सिंड्रोम में कि नेजोफेरिंग्स याद रखोगे तो उसके आसपास के एरियाज याद रहेंगे. यहाँ पे आप स्टाइलॉइड प्रोसेस याद रखो या स्टाइलोहाइड लिगामेंट याद रखो तो आसपास के आप एरियाज याद रख के उनका ऑब्वियसली बात है कि उनमें कुछ डिफेक्ट आना है या उनका प्रॉब्लम आना है तो आप वैसे याद रख सकते हो. देयर इज एनी एवरी टाइम कोई ट्रिक या ट्रिप होनी चाहिए याद करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कितनी याद रखोगे. Next is your Charcot's triad. Now it is a well-known diagnostic triad which is characteristic of multiple sclerosis. And as I've earlier mentioned also in my trigeminal neuralgia video, that multiple sclerosis is nothing but an inflammatory demyelinating disease of the central nervous system. जो आपकी nerve sheath रहती है आसपास का उसको वो damage करता है. तो it's actually a diagnostic triad of multiple sclerosis. बट मोस्टली क्या होता है कि उसमें ये प्रेजेंट होता ही नहीं है. मतलब इट इज डायग्नोस्टिक ट्रायड ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस बट नॉट इनवेरिएबली प्रेजेंट, कि हर बार वो ट्रायड में प्रेजेंट हो. सो इट इज मेनली अ ट्रायड ऑफ इंटेंशन ट्रेमर्स. इंटेंशन ट्रेमर्स मतलब कि ट्रेमर्स मतलब वही कि ट्रेमलिंग होना किसी पार्ट ऑफ द बॉडी का व्हेन यू अटेम्प्ट टू अ पर्टिकुलर मूवमेंट. देन यू हैव योर निस्टैग्मस, दैट इज योर रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आईज, प्लस दिस आर्थ्रिया और इम्परफेक्ट स्पीच आर्टिकुलेशन और स्कैनिंग स्पीच मतलब ब्लरिंग स्पीच या परफेक्टली बोलते नहीं आ रहे, दैट इज योर चारकॉट्स ट्रायड. लास्ट सॉरी सेकेंड लास्ट इज द ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरालजिया. नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस हियर, बिकॉज ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरालजिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ योर ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया इन ऑल द एस्पेक्ट्स, बी इट योर ट्रीटमेंट और द पेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग. बट आई हैव लिस्टेड हियर द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स. तो फर्स्ट तो पहला जनरल हो गया कि ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज ट्राइजेमाइनल नर्व. सिमिलरली ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरालजिया इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द नाइन्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज योर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. नाउ उधर आपने ट्रिगर जोन्स अलग पड़े थे, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप, एला ऑफ द नोज, चीक्स, अराउंड द आईज. इधर यू हैव योर पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स एंड द टॉन्सिलर फोसा. ओके, सो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, ट्रिगर जोन्स डिस्टिंग्विशिंग है. प्लस जो पेन है वहां पर फेस के एरिया में हो रहा था, यहाँ पे आपके स्पेसिफिकली ईयर्स, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, टॉन्सिल्स या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में होगा. और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आर गोइंग टू बी सेम, कि वहां पर भी स्वॉलोइंग, टॉकिंग, च्यूइंग में पेन हो रहा था, यहाँ पर भी स्वॉलोइंग, टॉकिंग, योनिंग में देर इज गोइंग टू बी पेन. दैट जस्ट द ट्रिगर जोन्स एक्चुअली एंड द पेन ऑफ द एरियाज विद द पेन अकर आर डिफरेंट, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल सेम थिंग्स आर सेम. एंड लास्टली इज द मेलकर्सन-रोजेंथल सिंड्रोम विच वी हैव डेल्ट इन द video on syndromes of developmental anomalies. Do check that out also, that's also very useful. So वहां पे मैंने इसका ट्रिक ऑलरेडी बता दिया है कि यू हैव टू याद रखना है कैसे रोज और सन, यू हैव टू रिमेम्बर एज सन एंड रोज. मतलब कि कोई लड़का है जो किसी रैंडम लड़की को रोज दे रहा है, तो अगर नॉर्मली क्या होता है जब ये सिचुएशन फेस होती है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले एक लड़की चिल्लाती है, दैट इज अ चिलाइटिस ग्रैनुलोमैटोसा. उसके बाद वो गाली देती है, दैट इज यूजिंग योर स्क्रॉटल प्लिकेटेड और फिजर टंग. एंड देन और ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी या शी इज गोइंग टू हिट ऑन फेस, दैट इज योर फेशियल और बेल्स पाल्सी. नाउ दिस इज अ सेपरेट टॉपिक विच सेपरेट वीडियो हैज बीन मेड ऑन दिस, सो डू चेक दैट आउट ऑल्सो. बट येस, दिस इज ऑलरेडी बींग टॉट इन डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज, क्योंकि यहाँ पे चिलाइटिस ग्रैनुलोमैटोसा और प्लिकेटेड टंग आ गया है. वापस इसलिए बताया है क्यों, क्योंकि फेशियल और बेल्स पाल्सी क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का है इसलिए. सो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स और द अदर नेम्स और एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर डिजीज ऑफ नर्व्स एंड मसल्स. एंड और भी है इसके अलावा, दो तीन और है, बट दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वंस एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड. सो आई होप दैट दिस इज यूजफुल टू यू एंड यू गेट अ हेल्प थ्रू दिस वीडियो. इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस एंड यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटिस्ट्री टू द पॉइंट. Also hit the little bell so that you're updated every time we upload a video. Thank you so much.